हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक आपको नहीं पता तो जान लीजिएगा, आपका सी टेट दिसंबर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको विस्तृत डिटेल में उसे अभी दिखा दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ मैंने जो थंबनेल में जो बातें लिखी हैं उन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। फर्स्ट कि कैसे करें बेहतरीन तैयारी। आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही साथ 1000 आवर्स यानी कि 1000 घंटे की फ्री लाइव क्लासेस मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे कैसे ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है, आज ही अपने इस चैनल को, श्री गुरु अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। और बहुत जल्द हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन में ही इसकी क्लासेस विधिवत रूप से हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले भी हम क्लासेस कर चुके हैं जिसमें लगभग 2 से 3 हज़ार घंटे की लाइव क्लासेस हम कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसे, ठीक है। तो चलिए, जी हाँ, तो इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सी टेट दिसंबर 2022, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर हम बात करें कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो आप देख सकते हैं 20/8/2022। आपको दिख रहा है या नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिएगा आप, शायद अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 20/8/2022 यानी कि 20 अगस्त 2022 से आपका 19 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन, कब आपकी लास्ट डेट है, तो हम देख चुके हैं 19 सितंबर, ठीक है। 19 सितंबर यानी कि 19/9/2022 आपकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, फ़ी आप कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो आप 22 सितंबर तक फीस भी सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो उसे भी देख लीजिएगा कि 16/11/2022 से 13/12/2022 तक ये आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इन्होंने मोड भी दे रखा है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, तो CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, यह भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, तो उसे आप थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि थोड़ा सा कुछ वर्क हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को वन बाय वन देख लेते हैं। बहुत ही विस्तृत नोटिफिकेशन है, इसमें सारी चीज़ें इस बुलेटिन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं, आगे और देखते हैं क्या है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम देख चुके हैं, 16/11/2022 से 13/12/2022 तक, ये तो हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, जी हाँ, आप ऑनलाइन आवेदन किस वेबसाइट पे करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है https, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आप डायरेक्टली अगर डायल करेंगे, सर्च करेंगे ctet.nic.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से आप करेंगे, वो आप छोड़ दीजिएगा, वो तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। और नेक्स्ट आप देखिएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको फ़ी कितनी पे करनी है, कितना फीस आपको पे करना है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि अगर आप जनरल और OBC हैं, तो आपको अगर एक पेपर देना है, ओनली वन पेपर देना है, चाहे आप फर्स्ट पेपर देते हैं या सेकंड पेपर देते हैं, तो आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप दोनों देते हैं तो 1200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप SC ST या फिर डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिफरेंट पर्सन हैं, तो आपको 500 रुपये, और अगर बोथ पेपर देना है, दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना है, तो आपको 600 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, और इसमें क्या दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और देखिएगा यहाँ पर, जी हाँ, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो इस डिटेल्ड बुलेटिन को या नोटिफिकेशन को मैं आपको
प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। कंटेंट्स देखिए, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम, देखिए ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इन सब को हम बाद में देखते हैं। बैकग्राउंड एंड रेशनल, ये आपके काम का नहीं है, जो आपके काम का है अभी अभी जो आपके काम का है, मैं सिर्फ वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये इन्होंने दे रखा है कि आपका 16/11/2022 से 13/12/2022 तक जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में ये होगा। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन या आप ऑनलाइन करेंगे ये भी आप देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आप जानते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। किसकी डिग्री होना चाहिए, तो आप कहेंगे आपके पास चाहे DLED हो या VED हो, ये डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET, ठीक है, ये आप अभी छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, ये देखिएगा सिलेबस, आप देख लीजिएगा सिलेबस में आपका वही है कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन आने हैं, तो आपके 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि आपका कोई भी हो सकता है लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और अगर हम बात करें लैंग्वेज सेकेंड, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और एनवायरनमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस तरीके के आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे जो आपके 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं इतनी सारी लैंग्वेज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आती हो, ठीक है। नेक्स्ट पेपर टू में देख लीजिएगा। पेपर टू में भी वही है कि आपका चाइल्ड पेडागोजी डेवलपमेंट आ जाएगा, और नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज सेकंड आ जाएगी। मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं या फिर सोशल स्टडी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, और जो आपका फोर्थ पोर्शन होगा उससे आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, और देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। सेंटर्स, तो सेंटर के लिए आप 4 डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जो है 4 चॉइस को फिल कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड इसको छोड़ दीजिएगा, एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो आप देख ही लेंगे, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हम फीस देख चुके हैं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें है आपका इम्पोर्टेंट, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बस उसी को करा रहा हूँ ज़्यादा। अब देखिए डिटेल सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। जी हाँ, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप यहाँ से देख पाएंगे कि इसमें आपके इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर अप करना होगा, ठीक है। मैं इनको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ के बताऊँगा बहुत टाइम लगेगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी, और आप देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पेडागोजी भी आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में भी आपका उसी प्रकार से होगा, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरीके से आप देखेंगे नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पेडागोजिकल इश्यूज़ भी मिलेंगे। एनवायरनमेंट में आप देख पाएंगे ये आपके पास टॉपिक्स रहेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ आप पेपर सेकेंड के लिए आप देख पाएंगे, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिटेल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप कहें तो मैं डिटेल्ड एक वीडियो आपको सेपरेटली बना दूंगा, जिसके तहत आप देख पाएंगे कि क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपका आना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा करने का, ठीक है जी। आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। जी हाँ,
जी हाँ, नेक्स्ट है कि आपका इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस का तरीका, ये बाद की बातें हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सभी बाद की बातें हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर उसी टाइम करा दूंगा। आपको कोई भी डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि आप कौन सा आंसर करेक्ट होगा तो किस टाइप से देखेगा, जो नॉन करेक्ट होगा वो किस टाइप से देखेगा, तो वो सारी चीज़ें अभी आप छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सिटी, आप देख सकते हैं जहाँ आपका सेंटर बनेगा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आपका सेंटर बन सकता है, तो इन सबको आप देख लीजिएगा आप जहाँ से भी हैं, ठीक है। मैं वन बाई वन इसको थोड़ा सा स्किप करता जाता हूँ, आप जहाँ से भी हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, जहाँ से भी आप हैं देख लीजिएगा, ठीक है। केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आगे है आपका मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, नागालैंड, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ही आ गया, तो उत्तर प्रदेश के जो सेंटर हैं उन्हें भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सेंटर आपको मिलेंगे, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे सेंटर्स आपके हैं, तो आप उनको चूज़ कर लीजिएगा कि कौन कौन से सेंटर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और फीस हम देख चुके हैं, ये बार बार इन्होंने पता नहीं क्यों दे रखा है, और तो ठीक है, इतनी ही सारी चीज़ें हैं इसमें, आगे आपका ऐसा कोई खास है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ आगे कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए, आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो, ठीक है जी हाँ। आप मेरे प्रीवियस जो सीरीज़ है उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लगभग 2 से 3 हज़ार घंटे का आपको बैच कराया है, और ये बैच भी मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 हज़ार घंटे का कराऊँगा, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।